गज की मसाला। यार ये देखो कितनी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब देखने में नॉन वेज टाइप की लग रही है। तो जी इस टाइम हम है रोहिणी में और रोहिणी के सेक्टर 8 में हम पहुंच चुके हैं, जहाँ पे जीप वाले सरदार जी जिनका खाना काफी ज्यादा फेमस है, काफी मशहूर है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ये जस्ट अभी अभी आए हैं और काफी लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं खाने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। आप? बहुत बढ़िया। तो भैया ये बताओ ये अपना काम कितना पुराना है? सर अराउंड 21 साल पुराना है। कितना? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। तो इससे ये आपके टाइमिंग क्या है यहाँ पे? सर टाइमिंग है 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक। 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, तो 2 घंटे में ही सारा माल फिनिश? जी भैया, लंच टाइम होता है 2 घंटे का। हाँ जी, तो उसी में सब माल खत्म हो जाता है। तो बहुत बढ़िया। तो भाई आज हम भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें खाने को मिलने वाला है, क्या क्या चीजें, क्या क्या होता है भैया खाने में? सर राजमा राइस। हाँ जी। कढ़ी राइस। ओके। चाप राइस। हाँ जी। पनीर राइस। ओके। थाली और रायता। तो एक बार दिखाएंगे हमें क्या क्या मतलब है, ये जो आपने नाम तो बता दिया। जी जी, ये देखिए भैया। वाह भाई वाह, ये चाप है? वेज कीमा चाप है भैया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और ये है काजू मटर पनीर है। अच्छा नॉर्मल नहीं है? नहीं, नॉर्मल कुछ भी नहीं, नॉर्मल रखते ही नहीं हो। बहुत टेस्टी। और साथ में और क्या है? सर ये कढ़ी पकौड़ा। ये है जी कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा भाई, खाना जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। ये राजमा है। ये है जी राजमा। तो चार सब्जियां लेके आए हो? जी सर, चार ही आती हैं। पनीर की आइटम रोज चेंज हो गई? पनीर की आइटम जो है रोज चेंज कर देते हो, बाकी चीजें आती आती हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। तो भैया अपने पास जैसे राजमा चावल, पनीर चावल, ये सब तो है, थाली भी है? जी सर थाली भी होती है। थाली का क्या रेट होता है? सर खाने के लिए 140 की है। हाँ जी। 150 की है। अच्छा, तो भाई ये देखेंगे आप, यहाँ थालियाँ भी पैक हो रही हैं और लोग पैक करा करा के ले जा रहे हैं। आंटी आप यहाँ पे खाते रहते हैं? हाँ जी हम खाते रहते हैं और सरदार जी का खाना बहुत बढ़िया है। अच्छा। भगवान इनको बहुत तरक्की दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। बहुत बढ़िया। तो भाई काफी लोग पसंद करते हैं। अभी क्या लगा रहे हो आप? सर अभी मैं पनीर राइस लगा रहा हूँ और थाली लगा रहा हूँ। पनीर राइस। ये काजू मटर पनीर जो आप बना के लाए हो, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? सर 100 रुपीज। 100 रुपीज। बहुत बढ़िया। तो भाई हम यहाँ पे राइस भी देख लेते हैं इनके। ये सोयाबीन वगैरह क्या है? सर सोयाबीन वाले राइस। बहुत ही बढ़िया। इसका कितना बताया आपने? 100 रुपीज। सर 100 रुपीज। क्या बात है भाई, सब्जी देख लो आप कितनी ज्यादा बढ़िया है। एक बार चला के दिखा दो भैया, बहुत जबरदस्त। खड़े मसाले भी डाले हुए हैं इसमें और राइस के साथ तो ये भाई जानदारी लगने वाली है। कितने पीस देते हो पनीर के? सर 5 पीस। 5 पीस? 4 से 5 पीस। अरे बहुत बेहतरीन। इसके ऊपर और चटनी वगैरह भी चाहिए? चटनी प्याज आएगा। क्या प्याज जी, प्याज भाई 100 रुपए में मोर देन वर्थ इट है और जबरदस्त। देखने में जो टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में तो क्या ही बताऊं भाई। यहाँ पे जो है थालियाँ लगने जा रही हैं और काफी सारी थालियाँ जो है एक साथ लगती हैं। तो भैया ये क्या है सबसे पहले? ये है पापड़, बाइट साइज पापड़। ये नॉर्मल पापड़ तो नहीं लग रहा? सर बाइट साइज पापड़ है। अच्छा, किस चीज का होता है ये? चावल का? नहीं सर, उड़द का। उड़द का? उड़द काली मिर्च। उड़द काली मिर्च के पापड़। इसका आप डिस्को पापड़ भी बोलते हो? बिल्कुल। भाई यहाँ पे जो है पापड़ लग चुके हैं सबसे पहले, जो इनकी एक ही टाइप की खाली है या अलग अलग भी होती है? खाली एक ही होती है, सिर्फ पैकिंग और उसमें खाने के लिए चार्जेस अलग हैं बस। अच्छा, खाने के लिए 140 है? पैकिंग 150 की है। पैकिंग 150 की है। ओके, तो भाई देख लेते हैं क्या क्या जाएगा थालियों में। ये आ गई जी अपनी हरी चटनी, ये धनिया पुदीने की होगी। जी सर। भैया सर आपके आले में क्या नहीं जाना? कड़ी छोड़ के सब। ये आ गई जी हरी मिर्ची का अचार। मैम राजमा राइस है, कढ़ी राइस है, चाप राइस है, पनीर राइस है, थाली है और रायता। भाई राइस जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसमें लौंग वगैरह भी दिख रही है भैया। बिल्कुल सर, खड़े मसाले डाले हुए हैं। खड़े मसाले डाले हुए हैं। तो अब सबसे पहले क्या जाएगा? गज कीमा चाप। यार ये देखो कितनी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब देखने में नॉन वेज टाइप की लग रही है। आपका टेस्ट भी नॉन वेज ज्यादा जाएगा। अच्छा, टेस्ट भी वही आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, जबरदस्त। वेज कीमा चाप। हाँ जी वेज। बहुत ही बढ़िया। तो वैसे अगर चावल के साथ ले वेज कीमा चाप तो क्या प्राइस है? 80 रुपीज। 80 रुपीज।
भाई सब्जियां जो है काफी बढ़िया है, पहले भी मैंने आपको दिखाई थी। अब बारी आएगी किसकी? काजू मटर पनीर। ये हमारे मौसले हैं, सबसे ज्यादा दिखता है। अच्छा पनीर भी आप देखेंगे तो अगर पनीर आपने नॉर्मल नहीं रखा हुआ, ये फ्राई करके डालते हो पनीर, थोड़ी रिचनेस आ जाती है। बिल्कुल क्या बात, खराब राजमा रहे ये जी राजमा। और एक तो कड़ी, जो कड़ी लेना चाहे वो कड़ी ले ले, बहुत बढ़िया। तो भाई ये थाली तैयार हो चुकी है भैया जी सर। अब क्या रोटी रह गई है? रोटी कितनी देते हो? दो तवा रोटी होती है, दो तवा रोटी। तो 140 रुपए की ये थाली है और एक आदमी के लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, पेट आराम से भर जाता है, आराम से। अगर फिर भी किसी को कमी लग रही है तो हम रिफिल कर देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा रिफिल कर देते हो, थोड़ा बहुत अगर और चाहिए हो तो? एक बंदा होगा हम रिफिल कर देंगे, दो बंदों का रिफिल नहीं होगा, दो के साथ नहीं होगा। तो भाई आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये प्लेटें, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई हमारी यहाँ पे थाली आ चुकी है, हमने एक थाली लगवाई है, साथ में हमने कड़ी भी ली है टेस्टिंग के लिए। थाली के साथ जो है दो रोटी मिलती है, घर की बनी हुई तवा रोटी, बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट है। साथ में आप मैं दिखा देता हूँ, ये है भाई इनकी चाप है, कौन सी चाप थी भैया? वेज कीमा चाप, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये आगे जी इनके काजू मटर पनीर, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। साथ में ये है राजमा और कड़ी जो मैंने आपको बता दी हमने अलग से ली है। एक बार पहले सबसे पहले मैं कीमा चाप जो है इसको टेस्ट करूँगा। ये है अपना, अब आप ये देखिए इसका जो पनीर का पीस है टोटली फ्राइड है, नॉर्मल पनीर नहीं है। और ग्रेवी भी काफी बढ़िया लग रही है, जैसे शादी पार्टियों में होती है ना काजू मटर पनीर, एकदम वैसे लग रही है। तो इसको एक बार चावल के साथ ट्राई करेंगे। खाना भाई बहुत ही जबरदस्त है, मज़ेदार है। जो है पकौड़ा भी काफ़ी बड़ा है। और ये अच्छा पालक वाले पकौड़े हैं भैया इसमें? पालक वाले पकौड़े हैं कड़ी में। बोलो ये कैसे पकौड़े बता? हाय 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 भाई, खाना जो है एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। प्राइस भी 140 है और शाही खाना है, जैसे शाही खाना बोलते हैं ना एकदम, हर चीज़ में बढ़िया मिर्च मसालों का फ्लेवर, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। आना का है डिस्क्रिप्शन में, मैं जगह डाल दूंगा। एक बार सरदार जी के पास आए तो खाली जरूर ट्राई करें। सरदार जी एक बार लोकेशन बता दीजिए अपनी। सर ये लोकेशन पड़ गया है रोनी चक्रेट का पेट्रोल पंप। हाँ जी, ये हनुमान मंदिर है। ओके, पूरा पेट्रोल वो पेट्रोल। और मैं गूगल लोकेशन भी डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त खाना है, मज़ेदार है, 140 रुपये वर्थ है। आई थिंक कई बार बड़े रेस्टोरेंट में जाए 250-300 से कम की थाली मिलने वाली नहीं है। तो भाई हमें तो मज़ा आ गया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।